हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप एवरीवन इज फाइन. आज के सेशन में हम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास वन मैरीगोल्ड की स्टोरी द बबल द स्ट्रॉ एंड द शू को रीड करेंगे. बहुत ही छोटी सी स्टोरी है, आप लोग इसको बहुत एंजॉय करेंगे. द बबल द स्ट्रॉ एंड द शू. और हाँ, ये इंग्लिश के जो फर्स्ट क्लास है उसके यूनिट टू में है. इसको रीड करना है एंड एंजॉय करना है. लिसन एंड एंजॉय दिस स्टोरी. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बबल, अ स्ट्रॉ एंड अ शू. एक बार की बात है, एक जगह पर कौन रहता था? एक बबल, एक स्ट्रॉ और एक शू. बबल था बुलबुला, ये है बबल, ये स्ट्रॉ और ये शू, ये तीनों रहते थे. वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट. एक दिन की बात है, वो कहां पर गए? जंगल में गए. फॉरेस्ट जंगल. दे केम टू अ रिवर और वो एक रिवर पर आए. दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट. उनको पता नहीं था कि इसको क्रॉस कैसे करना है. द शू सेड बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू. शू ने कहा बबल से कि बबल ऐसा करते हैं, हम सब तुम पर फ्लोट करते हैं. अब इसके बाद सुनते हैं कि बबल ने आगे क्या कहा. ये देखिए यहां पर. नो शू लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. नो शू, शू नहीं ऐसा करते हैं कि स्ट्रॉ को अपने आप को स्ट्रेच करने देते हैं एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ, एक बैंक से दूसरे बैंक पर. यानी बैंक क्या होता है? किनारा. एक किनारे से दूसरे किनारे पर हम स्ट्रॉ को स्ट्रेच करते हैं. बैंक है किनारा, ये हमने यहां पर साथ साथ लिख दिया. और हमने एक वर्ड अभी देखा था स्ट्रेच. स्ट्रेच करते हैं कौन, किसको स्ट्रेच करने के लिए कहा था? स्ट्रॉ को. तो वो अपने आप को खींच कर, यानी कि स्ट्रॉ अपने आप को खींच करके एक किनारे से दूसरे किनारे तक लेकर जाएगी, ऐसा उन्होंने प्लान बनाया. अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ. सो अच्छा, इसके बाद है देन वी कैन क्रॉस द रिवर, तो हम रिवर को क्रॉस कर पाएंगे. सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. और इस तरह से स्ट्रॉ ने अपने आप को स्ट्रेच किया एक किनारे से दूसरे किनारे तक. व्हेन द शू जंप्ड ऑन द स्ट्रॉ इट ब्रोक. जब शू ने इसके ऊपर जंप किया स्ट्रॉ पर, तो वो टूट गई. द शू फेल इन टू द वॉटर विद अ लाउड स्प्लैश. अब क्या हुआ, शू जो था वो पानी के अंदर गिर गया एक बहुत तेज आवाज के साथ. कैसी आवाज थी? वो आवाज थी स्प्लैश. स्प्लैश होता है पानी की, क्या आवाज होती है? पानी में गिरने की आवाज होती है स्प्लैश करके. वो जोर से गिरा, जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, छप छप. पानी में जब आवाज होती है तो वो छप छप ही तो होती है, छप छप या फिर छपा छप. इस तरह से शू पानी में गिर गया. अब इसके बाद क्या हुआ? द बबल शूक विद लाफ्टर एंड बर्स्ट विद अ बिग बैंग. जो बबल था वो जोर जोर से हिल हिल कर हंसने लगा, और वो इतनी जोर जोर से हंसा कि वो बर्स्ट कर गया, यानी कि फट गया. बबल हिल हिल कर इतनी जोर से हंसा कि वो बर्स्ट कर गया. और इस तरह से ना तो शू, ना ही स्ट्रॉ और ना ही बबल, तीनों में से कोई भी रिवर को क्रॉस नहीं कर पाए. तो उनका कोई भी प्लान काम नहीं आया. ये बहुत छोटी सी स्टोरी थी जो हमें कुछ सिखाती है, कुछ हंसाती है कि किस तरह से उन्होंने बेवकूफी करी और वो पानी में तीनों ही गिर गए. तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको और भी ऐसे पढ़ाई के बड़े अच्छे अच्छे से वीडियोस देखने को मिलेंगे. और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको वीडियो देखना है तो कमेंट करिए, और कमेंट कर कर बताइए कि हाँ ये वीडियो देखना है, या फिर इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा या आपने कोई बात बताना चाहते हैं तो आप यहाँ शेयर करिए. लर्न करिए, खुश रहिए. हैप्पी लर्निंग एवरीवन.